पंचायत का रण अब काफी दिलचस्प हो चुका है क्योंकि अब कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है पूरे प्रदेश से। रुझान और नतीजों के बाद कुछ तस्वीर बनती नजर आ रही है। आगरा से बड़ी खबर, आगरा में बीजेपी और बसपा की टक्कर है। आगरा में 19 सीट पर बीजेपी है, 17 पर बसपा जीत चुकी है। आगरा में 5 सीट पर सपा है, 1 सीट पर आरएलडी और 9 सीटों पर निर्दलियों की जीत है। तो ये रही आगरा की तस्वीर जहां बसपा और भाजपा के बीच टक्कर देखी जा रही है। किस तरीके से 19 सीटों पर बीजेपी तो 17 सीटों पर बसपा, 5 सीटें सपा के खाते में आई हैं, 1 सीट आरएलडी के और 9 सीटों पर निर्दलियों की जीत। तो बसपा हो चाहे भाजपा, इन निर्दलियों पर नजर सबकी होगी। तो आगरा की तस्वीर आपके सामने है, नतीजों के बाद किस तरीके से लोगों ने चुना है तमाम प्रत्याशियों को और कैसी तस्वीर बनेगी इसका अंदाजा लगाइए। जहां 19 बीजेपी, 17 पर बसपा, 5 पर सपा, 1 पर आरएलडी और 9 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। तो ये रहा आगरा का समीकरण, जहां आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बीजेपी और बसपा की टक्कर देखने को मिल रही है। और कमाल की बात यह है कि 9 सीटों पर निर्दलियों की जीत है, तो अब दोनों ही पार्टियों की नजर इन पे भी होगी। तो एक एक करके तस्वीरें आती जा रही हैं पूरे प्रदेश से। एबीपी गंगा पर यह मैराथन कवरेज आप देख रहे हैं, जहां कोई खबर नहीं छूटेगी। आपसे बस अपील यही है, घरों से नहीं निकलना। तमाम तस्वीरों पे जिस तरीके से हम नजर बनाए हुए हैं, इसी क्रम में आगरा से जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जिसकी जीत हुई है वो आपके सामने है। 19 सीटों पर बीजेपी है, 17 सीटों पर बसपा, 5 सीट पर सपा, 1 सीट पर आरएलडी और 9 सीट पर निर्दलीय। तो अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश से नतीजों के बाद क्या क्रम बन रहा है, ऐसे में पूरे प्रदेश की आप बात करेंगे तो सपा और बीजेपी की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन आगरा में यह टक्कर है बीजेपी और बसपा की। यहां सपा के पास सिर्फ 5 सीटें हैं, 1 सीट पर आरएलडी ने जीत दर्ज की है, 9 सीट निर्दलियों के खाते में है। तो कुल मिलाकर आगरा में नतीजों के बाद जो पैटर्न बन रहा है वो आपके सामने है। आगे बीजेपी है 19 सीटों पर, लेकिन थोड़े ही कम सीटों पर बसपा जीत दर्ज करती नजर आ रही है। आइए आपको मैनपुरी लिए चलते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा है। क्या है डिटेल? जिला पंचायत सदस्य की 15 सीटों पर कब्जा है, वहीं भाजपा को 8 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा है। निर्दलीय प्रत्याशी ने भी भाजपा सपा को टक्कर देते हुए 6 सीटों पर कब्जा जमाया हुआ है। 1 सीट पर कांग्रेस ने खाता खोल लिया है। कुल 30 वार्ड हैं जिला पंचायत में और कुछ इस तरीके से मैनपुरी की तस्वीर आपके सामने। लखनऊ से बड़ी खबर है, बीजेपी को सपा से करारी शिकस्त देखनी पड़ी है। 25 सीटों की अगर आप बात करेंगे तो 10 पर सपा है, सिर्फ 3 पर बीजेपी की जीत है, 5 सीट पर बसपा है, 7 पर निर्दलीय जीते हैं। तो लखनऊ की यह हालत है, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला है। बड़ी खबर है ये, समाजवादी पार्टी ने जिन 10 सीटों को जीता है उसमें वार्ड नंबर 7 से राम प्यारी, वार्ड नंबर 9 से निहाल अहमद, काकोरी वार्ड नंबर 13 से पन्ना लाल, काकोरी वार्ड नंबर 14 से अजय जितेंद्र, सरोजनी नगर वार्ड नंबर 15 से पलक रावत, सरोजनी नगर वार्ड नंबर 16 से कैप्टन यादव। और चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का, वो जमीन से लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। शैलेश ये बताइए, और कुछ तस्वीरों में बदलाव जो अपडेट आप देना चाहेंगे दर्शकों को? लखनऊ में जो काउंटिंग थी जिला पंचायत की सीटों की पूरी हो चुकी है, सभी 25 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। और नतीजे जो हैं वो एक तरफ जहां सपा के लिए खुशी भरे और उल्लास मनाने वाले हैं, वहीं भाजपा के लिए निराशाजनक।
हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो 25 सीटों पर नतीजे सामने आए हैं, लखनऊ को भाजपा का गढ़ कहा जाता है और ऐसे में लखनऊ में 10 सीटें सपा के पाले में और सिर्फ 3 सीटें भाजपा के पाले में आना निश्चित रूप से निराशाजनक भी है और बहुत मंथन करने की जरूरत भी कि आखिर कमी कहां पर रह गई। आप ये अंदाजा लगाइए कि लखनऊ में अगर हम कुल सीटों के देखें किस तरह से मिली है तो 10 सीटें सपा को मिलती हैं, 7 सीटें निर्दल को मिल जाती हैं, 5 सीटें बसपा को मिलती हैं और भाजपा सबसे कम यानी 3 सीट पर संतोष करना पड़ता है भाजपा को। तो ये परिस्थितियां हैं, बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जनता की नाराजगी कहें या कैंडिडेट का सही चयन ना होना, उसके चयन की रणनीति में खामी, दो में वजह जो भी हो लेकिन चिंता की बात है क्योंकि ये परिणाम जो है कहीं ना कहीं 2022 की जो तैयारी है, 2022 के लिए जो मेहनत करनी है उसके लिए कहा जा रहा था लगातार कि बहुत कुछ बयां कर देंगे, तो परिणामों ने बहुत कुछ दिखाया है पंचायत चुनाव के। दूसरी चीज, जो वोटर होता है पंचायत चुनाव का, एक ग्रामीण इलाके का होता है और चुनाव कोई भी हो, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, सबसे ज्यादा जो वोटर घरों से निकलते हैं वो ग्रामीण परिवेश के लोग ही निकलते हैं। तो अगर गाँव की सरकार ने इस तरह से यहाँ पर नकारते हुए दिख रही है, गाँव में अगर जनता इस तरह नकारते दिख रही है तो इसका असर 2022 में भी देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं संभलने की जरूरत है और देखना होगा। देखिए ना शैलेश, जब गांव का चुनाव होता है तो बहुत सारे समीकरण हावी होते हैं, किसी का कोई रिश्तेदार होता है, जाति समीकरण होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं और लोगों की इमोशन भी बहुत होते हैं कि हाँ ये हमारे पहचान के, इनको जिताना है। ऐसे में क्या कैंडिडेट को लेके ये इमोशन भांप नहीं पाए कि कौन से इलाके से कौन किसका प्यारा है, क्या ये ज्यादा हावी रहा है या फिर ये पूरे ओवरऑल जो उनको सेंटर से मिलने वाली चीजें, या ये कहें कि नहीं हमें बदलाव चाहिए? देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही है सुनीलता, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब गांव के चुनाव होते हैं तो यहां पर कैंडिडेट का जो चेहरा होता है, कैंडिडेट की जो छवि होती है वो बहुत मायने रखती है। ऐसे में कैंडिडेट, आप एक चीज देखें कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सिंबल नहीं देती, वो समर्थन देती है। जाहिर सी बात है कि अगर भाजपा ने किसी को समर्थन दिया, किसी कैंडिडेट को आगे लेकर आई और दूसरी तरफ सपा लेकर आई, सपा के लाए कैंडिडेट ज्यादा जीतते हैं, तो ये साफ दिखाता है कि सपा का जो सिलेक्शन था, जो रणनीति थी अलग अलग जगह कैंडिडेट्स के चयन की, वो माना जा सकता है कि वो सफल हुई है, जो रणनीतिकार थे वो सफल हुए। और भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो लखनऊ में जिस तरह कैंडिडेट्स का चयन हुआ, 25 में सिर्फ 3 सीट मिली, यानी कहीं ना कहीं जो रणनीति थी उनके चयन की, चाहे वो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया गया हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, कुछ भी हो वजह, वो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है उस रणनीति में, ये खामी है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं देखिए भले कैंडिडेट का चेहरा मायने रखता है लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल पार्टी अगर समर्थन देती है तो ये मैसेज भी वहां पर होता है। तो दूसरी चीज ये भी है कि क्या जनता में नाराजगी भी है, अगर नाराजगी है तो उसके पीछे क्या क्या वजह है, क्योंकि एक जो चर्चा चल रही इन समय कोविड के हालात में जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं ये भी माना जा रहा है नाराजगी का कारण, और क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकार की तरफ से जानकारी दी जाती है कि चाहे गन्ना किसानों के भुगतान हो रहे हैं, किसानों से जो फसल की खरीद हो रही है MSP पर हो रही है, फिर ऐसी क्या वजह है इन सब के बावजूद कि जो वोट था वो ये चीजें मतलब वोट में तब्दील हुई, आखिर क्या वजह है कि जनता साथ नहीं दिखी इस चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा रणनीति। बिल्कुल शैलेश, क्योंकि गांव के चुनाव में लोगों का इमोशन भी होता है कि उनकी नाली बनी नहीं, उनका शौचालय बना तो कैसा बना और उनका प्रधान उनको कितना परेशान करता है, कितने आसानी से उनकी चीजें करवा देता है, ये सारी चीजें कैंडिडेट की शक्ल पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। उसके अलावा रिश्तेदारी भी चलती है, अब यहाँ पर किस तरीके की विफलता या सफलता रही है इसका आकलन तो होता रहेगा। आप लगातार हमारे साथ बने हैं, बने रहिए है, क्योंकि अब अगली अपडेट का रुख करते हैं। फिरोजाबाद से मिल रही है, जिला पंचायत चुनाव में सपा का दबदबा यहां भी बरकरार दिखाई दे रहा है। 17 सीटों पर सपा प्रत्याशियों का कब्जा है, 7 सीटों पर निर्दलीय है और सिर्फ 5 सीटों के साथ संतोष करना पड़ रहा है बीजेपी को। 2 सीटों पर प्रसपा है, 1 ही सीट पर बसपा की जीत है। तो फिरोजाबाद कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, यह भी बड़ी। कृष्णा से बाकी की जानकारी लेते हैं। कृष्णा, तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, नतीजे आ चुके हैं? जी बिल्कुल, यहाँ नतीजे आ चुके हैं और सपा यहाँ सबसे आगे है। सपा ने अपना परचम फिरोजाबाद में लहरा दिया है। यहाँ समाजवादी पार्टी को 17 सीटें मिली हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी बहुत पीछे समझा जाए, क्योंकि 5 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 2 प्रसपा को है। प्रसपा ने भी यहाँ खाता खोला है इस बार, और जो प्रसपा से
जीते हैं वो यहाँ के विधायक हैं हरिओम यादव, जो मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, उनकी पुत्र विजय प्रताप यादव छोटू प्रसपा से जीते हैं, और उनकी पत्नी राम सखी यादव अच्छा। वो भी प्रसपा से जीती हैं। और बात अगर बसपा की जाए तो बसपा से यहाँ दो प्रत्याशी जीते हैं जी। बीजेपी के कौन से कैंडिडेट रहे हैं, लोगों का भरोसा उनमें नहीं दिखाई दे रहा है? बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो भी बड़ी मुश्किल से ही जीते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही कसमकस रहा है चुनाव जी। चलिए कृष्णा आपका शुक्रिया। फिरोजाबाद की जानकारी दे रहे थे, जहां वीआईपी सीटों की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर दबदबा दिखाई दे रहा है साफ तौर पे सपा, और तो और प्रसपा के तरफ से भी जो कुनबा है पूरा उस पर लोगों ने विश्वास जताया है और उन्हें जिताया है, और बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हुई है जिन 5 सीटों पर भी बीजेपी की जीत, ऐसा कृष्णा बता रहे हैं। कृष्णा आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिरोजाबाद की जानकारी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। प्रयागराज की क्या खबर है तो हम आपको बताएं, 84 में से 12 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। वार्ड 33 से रेखा, 34 से खिन्नीलाल, और वार्ड 35 से विजय, वार्ड 43 से प्रेमकली, वार्ड 44 से रविंद्र, वार्ड 45 से विष्णु, वार्ड 49 से चंद्रप्रकाश, और वार्ड 50 से रेखा, 51 से कृष्णावती, 75 से प्रमिला, 76 से मोतीलाल। मुबारक हो इनको, इनके माथे पर विजय तिलक, क्योंकि इन्होंने जीत दर्ज की है। प्रयागराज में कुछ नतीजे सामने आ गए हैं, उनमें विजयी लोगों के नाम हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं लगातार, और जो तस्वीरें हैं वो साफ होनी बाकी है, क्योंकि 75 में से कुछ सीटों पर ही अभी तक नतीजे आए हैं। 84 सीटों में से सिर्फ 12 सीटों पर नतीजे आए हैं, बाकियों का इंतजार चल रहा है। जाहिर तौर पर रुझानों पर नजर बनी रहेगी, क्या ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं कि नहीं। प्रयागराज में ये इस वक्त लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन जिन 12 सीटों पर नतीजे आए हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा काफी सीटें हैं, काउंटिंग जारी है। वाराणसी की खबर है, मतगणना स्थल पर सपा का हंगामा देखने को मिल रहा है। हर हुआ मतदान केंद्र पर सपा का हंगामा, ये खबर मिल रही है। सपा प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगा रही है। सपा की जीत के बाद रिकाउंटिंग का पर सवाल उठ रहा है। हरहुआ मतदान केंद्र है जहां पर सपा का हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम पर हंगामे की स्थिति बनी हुई है। रिकाउंटिंग पर सवाल उठ रहे हैं सपा की जीत के बाद। तो वाराणसी से हंगामे की भी खबर मिलनी शुरू हो गई है, जहां पर कहीं जीत कहीं हार, लेकिन इसी बीच तकरार भी होती है, और कुछ ऐसा ही वाराणसी के हरहुआ मतदान केंद्र पर होता दिखाई दे रहा है। तो लगातार एबीपी गंगा पर हम आपको हर एक खबर बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव से जुड़ी आपका गांव हो, और किस तरीके से तस्वीर बदल रही है उत्तर प्रदेश में। दिलचस्प हो चुका है ये पूरा मुकाबला। अगर आप देखेंगे कांटे की टक्कर कहीं है तो कहीं निर्दलियों और अन्य का दबदबा है। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं आने वाले चुनाव को लेकर। लोग मान रहे थे कि पंचायत चुनाव लिटमस टेस्ट का काम करेगी, लेकिन अगर ये लिटमस टेस्ट है तो इसका क्या मतलब निकलता है, ये आप अगर एबीपी गंगा पर बने रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर हो रही हैं, और चलिए इसी क्रम में झांसी का रुख कर लेते हैं। 24 में से 23 जिला पंचायत सीट के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर है, 8-8 सीट बराबरी। बीएसपी को 4, कांग्रेस को 1 सीट पर सफलता मिली है। झांसी में 2 सीट पर निर्दलियों का कब्जा है, 1 पर वोटिंग जारी है। सोचिए आप, कांटे की टक्कर इसे कहते हैं, कंधे से कंधा मिलकर अभी चल रहा है, 8-8 सीटों पर कब्जा है, लेकिन 1 पर काउंटिंग चल रही है। उस काउंटिंग के बाद ये स्पष्ट होगा कि क्या वो रुझानों में बीजेपी या सपा के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत से क्या ये 8-8 सीट की जो बराबरी है ये टूटेगी। और बीएसपी को 4, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, 2 सीट पर निर्दलियों का कब्जा है, इन पर भी सबकी नजर रहेगी। तो झांसी की जो तस्वीर है वो बड़ी दिलचस्प होती नजर आ रही है। 24 में से 23 जिला पंचायत सीट के नतीजे आ गए, बस 1 का इंतजार बाकी है। इसके साथ ही दिलचस्पी और बढ़ जाएगी कि क्या ये 8-8 की बराबरी टूट जाएगी या फिर किसी और के खाते में सीट जाएगी, और इसके बाद किस तरीके से जोड़ तोड़ होगा।
लगातार विजय तिलक पर नजर बनी हुई है। 75 घंटे की मैराथन कवरेज में अब आप श्रावस्ती की डिटेल जान लीजिए। 22 जिला पंचायत सीटों पर अपडेट आ चुकी है। 8 पर सपा, 4 पर बीजेपी जीत की तरफ और बसपा कांग्रेस को एक एक सीट है। 5 पर निर्दलीय काबिज होते और नतीजों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है तो इन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा। वार्ड संख्या 1 से हाजी दद्दन खां समाजवादी पार्टी से, वार्ड 2 से किस्मत निशा और समाजवादी पार्टी से, वार्ड नंबर 3 से अमरीश वर्मा ये भी समाजवादी पार्टी से हैं, वार्ड नंबर 4 से विजय शुक्ला। अम्मार रिजवी से बाकी की जानकारी लेते हैं। अम्मार ये बताइए कि अभी आधिकारिक घोषणा कब तक हो सकती है और उससे पहले किस तरीके की तस्वीर बनती नजर आ रही है श्रावस्ती में? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे क्या नाम है, श्रावस्ती में इस टाइम हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। कोविड कई जगह तो कोविड गाइडलाइन का भी उल्लंघन देखा गया है। विजय जुलूस पे खासतौर से पाबंदी थी, उसके बावजूद भी कई जगह विजय जुलूस निकाले गए हैं। बहरहाल अगर सीटों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें यानी जिले में सबसे ज्यादा सीटें 8 सीटें निकाली हैं। वहीं बीजेपी ने 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। आम आदमी पार्टी की 3 सीटें निकली हैं। कांग्रेस और बीएसपी की बात की जाए यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो एक सीट पर उन्हें संतोष करना पड़ा है। वहीं निर्दलीय 5 सीटों पर कब्जा हुआ है इसने लगा। जी तो चलिए, ये तस्वीरें भी अब थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएंगी जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, औपचारिक घोषणा हो जाएगी। लेकिन ये जो तस्वीर है वो इशारा किस तरफ कर रही है ये आपके टीवी स्क्रीन पर है, लगातार नजर बनाए हुए। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो श्रावस्ती में नतीजों की आधिकारिक घोषणा नहीं है लेकिन बावजूद इसके जो रुझान है, जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है वहां पर भी टक्कर देखी जा रही है। कमोबेश वही हालात हैं, 22 जिला पंचायत सीटें हैं और इन पर जो अपडेट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जहां पर 8 पर सपा, 4 पर बीजेपी की तरफ है तो सपा और बीजेपी में जो टक्कर है वो हर जिले से देखने को मिल रही है। देखा जाए तो मोटे तौर पर बाकी जो असल तस्वीर है उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि अब धीरे धीरे काफी हद तक चीजें दिख रही हैं। कांटे की टक्कर पूरे प्रदेश से अगर आप देखेंगे तो सपा और बीजेपी के बीच में है। तो श्रावस्ती से अभी इंतजार करना होगा आधिकारिक घोषणा, जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसके माथे पर विजय तिलक है और कौन कौन सी पार्टियों का दबदबा कायम हुआ है। बहरहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाजपा और सपा के बीच टक्कर है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो इस इंतजार में होंगे कि कब औपचारिक घोषणा हो उनके विजय की। अंबेडकर नगर की 18 सीटों पर सबसे ताजा अपडेट क्या है आपको बताएं, सपा बसपा के खाते में 4-4 सीट है। अंबेडकर नगर में बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीट आई हैं। अंबेडकर नगर सबसे ज्यादा 7 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। ये देखिए अंबेडकर नगर की तस्वीर, यहां सपा बसपा में टक्कर है लेकिन यहां सबसे ज्यादा 7 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। लखीमपुर खीरी की अगर आप बात करेंगे तो जिला पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों का कब्जा दिखाई दे रहा है। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर सपा की विजय हुई है। अन्य प्रत्याशियों के खाते में 34 सीटें आई हैं। 10 सीट पर बीजेपी है, 6 पर बसपा है। तो लखीमपुर खीरी का हाल हम आपको बता दें, सबसे ज्यादा 21 सीटों पर सपा काबिज होती नजर आ रही है और वहीं जो बाकी प्रत्याशी हैं वो 34 में सिमटे हैं, जिसमें 10 पे बीजेपी, 6 पे बसपा। तो और किसके माथे पर होना है विजय तिलक, इस महाकवरेज के साथ आप जुड़े रहिए। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए बीपी का। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज, 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार